कांग्रेस प्रदेश अध्यक्ष जीतू पटवारी बालाघाट पहुंचे, जहां उन्होंने चुनावी सभा की और कांग्रेस प्रत्याशी सम्राट सरस्वार के लिए प्रचार किया। इस दौरान जीतू पटवारी ने बीजेपी पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि हम सब ने बीजेपी के शासन को देखा, बीजेपी ने जो वादे और घोषणाएं की थी उसे 10 सालों में भी पूरा नहीं किया है। अब इस बार नया शब्द है मोदी की गारंटी, जिसमें उन्होंने 3100 धान का रेट और 2900 गेहूं के दाम और 450 में गैस सिलेंडर देने का वादा किया था, लेकिन उसे पूरा नहीं किया। वही जीतू पटवारी ने आरंभा में चुनावी सभा के बाद एक होटल में अपने हाथों से मंगोड़े तले और दुकानदार से तेल के दामों को लेकर महंगाई पर चर्चा की। कुछ हो जाए पहले कमेटी के पूर्व अध्यक्ष पूर्व मंत्री बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के आपके परिवार में महंगाई की मार है कि नहीं? अरे आपने $5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था बना दी थी, $5 ट्रिलियन का कर्जा कर दिया देश में। आपने किस तरह का देश बनाया कि एक व्यक्ति एक परिवार ऐसा नहीं बचा जो आपकी महंगाई की और बेरोजगारी की यातना से परेशान नहीं हो। तो मैं मानता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी को जवान वचन बात ये सब उनके मुंह से अच्छी नहीं लगती।